तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिसबू और आप देख रहे हैं मिसबू हेयर। हाँ, चैनल का नाम भी भूल गया भाई। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। तो ये मेरा एक नॉर्मल ब्लॉग की तरह नहीं है, लेकिन ये एक टेक्निक है जो कि मैं अपनाना चाह रहा हूँ, और ये मैं बहुत पहले से अपने मेन चैनल पे भी करता हूँ आ रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई यानी मेरे पीसी का मसला चल रहा है, ये रहा मेरा पीसी, उसका थोड़ा सा मसला चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं एक फ़िलर डालता हूँ, और ये समझ लें आप एक फ़िलर है। तो इसमें हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, अगर आपको रहना है तो रहें, वरना आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, आप मेरे पुराने ब्लॉग देख सकते हैं, उस पर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार कहानी कुछ यूँ है कि मैं बहुत टाइम से ना डेली व्लॉग करने की कोशिश कर रहा था, 2 दिन में 1 व्लॉग, हाँ ऐसे ही 2 दिन में 1 व्लॉग करने की कोशिश कर रहा था, हफ्ते में भी एक, बहुत मुश्किलों से हो पा रहा था। उसकी वजूहत सिर्फ मेरी लेजीनेस है और कुछ नहीं है, जो कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। और उसके बाद जब मैंने सोचा कि हाँ भैया बिल्कुल टाइम आ गया है डेली व्लॉगिंग पर आने का, तो ये मेरा पीसी है थोड़ा सा पंगा कर रहा है, क्योंकि फिर मुझे डेली डालना होगा, तो डेली की भी प्लानिंग भी होगी, क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी अर्निंग वर्निंग आएगी तो चीज़ें आएंगी बस। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं फिलर बना दूँ, जिसमें मैं मोबाइल से एडिट करके डाल दूँ। तो ये जो आप फुटेज देख रहे हैं प्योर मोबाइल से एडिट है, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है, लेकिन खैर है। तो मुझे ये बात करनी थी कि मैं ईद के बाद तो इंशाल्लाह अपना PCT करवाऊंगा लॉकडाउन ख़त्म होते ही, और फिर हम लोग इंशाल्लाह डेली ब्लॉगिंग करेंगे, और ईद पे भी मैं ट्राई कर सकता हूँ मोबाइल से डेली ब्लॉगिंग करने की, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा, लेकिन भाई सहलेगा, कोशिश करूँगा मैं फुल। तो ब्लॉग मैंने ये वाला इसलिए आपको अपडेट करने के लिए डाला है, क्योंकि एक तो फिलर डालना है और दूसरी बात बताना था, समझ गया। तो मेरा नाम है मिस बामी, तो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। तो यार इसमें थोड़ा सा ना भाई बंधु वाली बात हुई है, अगर आपको बुरा लगा हो तो, या फिर आपको कुछ बात मसला हुई हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप कर ही देंगे।